एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर हमने पैसा रखा है तो क्या वो पैसा सिक्योर है। सबसे पहले बात आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो वर्किंग रूल है वो अपने मेंबर के साथ में डील करना है, आउटसाइडर वॉकिंग कस्टमर के साथ डील करना नहीं, सबसे पहला चीज़। दूसरी बात ये, अगर आप किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन रहे हो तो फिर आप एक मिशन में जा रहे हो जहां पर आपको अपना बचत करना है और उसी बचत से जिनको ज़रूरत है उनको हेल्प किया जाता है और उनसे पैसे लेकर आपको दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपसी सहयोग के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन खोला जाता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, गवर्निंग बॉडी कैसा है, वहाँ का वर्किंग सिस्टम कैसा है। एक बार फिर से बता दूँ, मैनेजमेंट कैसा है, वर्किंग बॉडी कैसा है, गवर्निंग बॉडी कैसा है, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीडर्स जो रहते हैं ना, लीडर्स के कारण ही कोई भी बिज़नेस चलता है या नहीं चलता है। सर ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बिज़नेस थोड़ी है, 100% बिज़नेस है। जहाँ पर इनकम हो रही है उसका नाम आप कुछ भी रख देने से वो नॉन बिज़नेस नहीं हो जाता, ये बिज़नेस एक्टिविटी ही है। हाँ, उसमें सेक्शन 80P इनकम टैक्स में छूट ज़रूर मिल जा रही है, लेकिन ये बिज़नेस ही है, यहाँ इनकम ही होने वाला है, राइट। तो कुल मिलाकर ये कि यहाँ पर भी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे आप किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो फिर वहाँ के डायरेक्टर्स चेक करते हो, किसी कंपनी का शेयर खरीदना रहता है तो वहाँ का मैनेजमेंट चेक करते हो। उसी तरीके से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप पैसा लगाते हो तो वहाँ के मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके बारे में प्रॉपरली आपको पता करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पता नहीं करेंगे तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हो सकता है कि सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन पता करना ज़्यादा ज़रूरी है। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखिए, पूछिए, और कभी भी ये वेबसाइट मेंटेन करते हैं कि नहीं ये चेक करिए, वेबसाइट में मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं उनके बारे में डिटेल दिया रहता है, वो डिटेल अगर लिखा हुआ है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करने का कोशिश करिए। आजकल गूगल और गूगल से कनेक्टिंग अगर सर्च आपको प्रॉपरली करने आता है तो आप बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे। इसके अलावा आप रेफरेंस लीजिए कि आपके एरिया में कितने लोगों के खाते वहाँ पर हैं, जितने लोगों के पुराने खाते हैं क्या उनको प्रॉपरली समय पर पैसे मिल रहे हैं, ट्रांजेक्शन करने में कोई दिक्कत होती है, उनको स्टेटमेंट मिलने में कोई दिक्कत होती है, अगर नहीं तो फिर बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर जाने से आपको माहौल कैसा लगता है, वहाँ पर टेंशन में तो नहीं लगता। और एक और चीज़ बहुत बड़ा आईना बता दूँ आपको, एम्प्लॉई जो रहते हैं उनका मिजाज देखने से आपको समझ में आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन का मिजाज कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन मस्त रहेगी तो एम्प्लॉई भी खुश रहेंगे, स्माइल करते रहेंगे, जैसे मैं अभी स्माइल कर रहा हूँ, वो हमेशा खुशी खुशी काम करने वाले हैं, और आपको देखकर भी लगेगा यार इन लोग खुश हैं, इसका मतलब है कि मालिक खुश होगा या फिर जिसका गवर्निंग बॉडी डायरेक्टर्स बहुत अच्छी तरीके से रखते होंगे और यहाँ का सिस्टम सही होगा। लेकिन अगर आपको दिखेगा कि वहाँ पर एम्प्लॉई का कल्चर गड़बड़ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, और यहाँ पर पैसे लगाने की नहीं एक बार सोचने का ज़रूरत है। आप शुरू से लेकर आखिरी तक कभी भी कहीं पर पैसा लगाने से पहले हर एक व्यक्ति से मिलने का कोशिश करिए, मैनेजर साहब से भी जाकर एक बार मिलिए, उनसे एक बार बात करिए, सर यहाँ पर कैसा क्या है, कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट लेकर जाइए, आप बताइए, आप पूछिए उनसे कि सर कितने साल से चल रहा है, आप कितने साल से हो, यहाँ पर पैसा डूबेगा तो नहीं, और दूसरी बात बता, और अगर किसी का रेफरेंस दे सकते हो तो रेफरेंस भी दे दो कि सर फलाने ने भी पैसा लगाया था, उनको अच्छा लगा इसीलिए मैं आया, आपके यहाँ का सबसे अच्छा चीज़ क्या है, कौन सा चीज़ आप लोग बहुत अच्छा करते हो, कौन सा लोन बहुत अच्छा देते हो, कौन सा डिपॉजिट, कौन सा काम आप लोग बहुत अच्छे से करते हो, और आपके यहाँ की कुछ खास बातें अगर हैं तो वो खास बातें भी हमको थोड़ा सा बताइए। ऐसे आप सारे लोगों से बात करने का कोशिश करिए, छोटा सा खाता खोल कर शुरू करिए, वहाँ पर लेन देन करने 3-4 बार जाइए, उससे पहले डिपॉजिट मत खोलिए अगर आपको समझ में नहीं आता या जानकारी नहीं होती है तो। अपना सिक्योरिटी आप अगर होशियार नहीं रहोगे तो ये जो पैसा आप कमाते हो ये पैसा आपका नहीं है, पूरे परिवार का है। आप परिवार के बीच से समय निकाल के, परिवार को कम समय देकर आप मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, डिपॉजिट करते हो पैसा, और ये सोचते हो कि एक दिन बाद, ये कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद ये पैसे मिलेंगे और ये मेरे परिवार के ही काम आएगा। जब सब चीज़ परिवार का है तो कम से कम होशियारी भी परिवार के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पैसा जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए भी उतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको उतना ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूँ। आप जाँच बहुत अच्छे से करिएगा, जानकारी बहुत अच्छे से लीजिएगा, पूरा संतुष्ट हो जाइएगा। तो भी अगर आपको लगता है कि मुझे 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो 1-2 लाख इन्वेस्ट करके रखिए और बाकी FD में, बैंक में रखिए, थोड़े दिन बाद आप देखिए कि उसका कैसे हो रहा है, उसके बाद फिर पैसे डालिए। या फिर आपको बहुत सारे अच्छे लोग जो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं उनका सालों से ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि नहीं, अगर है तो फिर अब मैं मान लूँगा कि हाँ भाई ये इतने सारे लोगों को सही तरीके से कर रहा है तो सही है। और कोशिश करिएगा कि अगर एम्प्लॉयज़ जितने भी वहाँ काम करते हैं, जो थोड़े समय से काम कर रहे हैं, उनसे किसी तरीके से आपका कनेक्शन है, उनके भाई बहन या उनके रिलेटिव से, तो वहाँ से पता करिए कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे वो मल्टी स्टेट हो चाहे विदाउट मल्टी स्टेट वाले हैं,
बहुत सारे परेशानी में, जो मैं जानता हूँ, क्योंकि हम लोग को डिस्क्लोजर राइट्स नहीं है और खुद अपने आप को हमने बोला कि किसी के बारे में हम लोग बुराई नहीं करने वाले हैं, लेकिन जनता को सतर्क करना, कस्टमर को सतर्क करना पूरा हमारा अधिकार है और आपका अधिकार है अपने पैसे को बचा के रखना, और ये आपका धर्म भी उतना ही है। दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। आप अपना सतर्क रहिएगा, पैसे बचाइएगा, सही जगह पैसे लगाइएगा, निकालने में असुविधा ताकि ना हो। उसके बाद भी दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।